विपक्षी एकता के लिए आज दिल्ली से सुखद खबर आई। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बकायदा खुद आगे आकर दोनों का अभिवादन किया और काफी गर्मजोशी से मिले। तेजस्वी यादव जब तस्वीर खिंचवाने के दौरान पीछे हुए, राहुल गांधी ने हाथ पकड़ आगे किया और फिर तस्वीरें खिंचाईं। इस सबके बीच आरसीपी सिंह, जो जेडी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी सिपा सलार रहे। उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर लताड़ लगाई है, फटकार लगाया है और अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए बड़ा हमला किया। सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा, दिल्ली में नीतीश बाबू, आजकल दिल्ली में नीतीश बाबू के पैर थिरक रहे हैं। कल राजद सुप्रीमो श्रीमान लालू जी की शरण में और आज कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमान राहुल गांधी जी के बगल में। बहुत आनंद आ रहा है ना नीतीश बाबू, लेकिन जरा समाजवाद के अपने पुरखों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों एवं विचारधाराओं को याद करिए। कैसा लग रहा होगा डॉक्टर लोहिया जी को गैर कांग्रेसवाद की उनकी परिकल्पना, सोच और कार्य को कांग्रेस की गोद में जाकर आपने मिट्टी में मिला दिया। आप इससे सहमत हैं कि नहीं नीतीश बाबू? लोहिया जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता को अमली जमा पहनाया था और आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं। क्या यही आपका लोहियावादी गैर कांग्रेसवाद विचारधारा के प्रति प्रेम है? लोहिया जी, तो लोहिया जी आज की तस्वीर देखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कैसा लग रहा होगा? क्या नीतीश बाबू आप भूल गए कि जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेपी को जेल में ठूस दिया गया? आप जैसे लाखों युवाओं छात्राओं को मीसा के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। भारतीय संविधान की पूरी रूपरेखा को 42वें संशोधन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। प्रेस व मीडिया को सेंसर कर दिया गया। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया गया। ये अब आपको याद नहीं है नीतीश बाबू? आप ये भूल गए कि जेपी की किडनी इमरजेंसी के दौरान ही खराब की गई। आप ये भी भूल गए कितने लोगों की जानें चली गई इमरजेंसी के दौरान। आपके भूलने का एक ही कारण लगता है, वो है आपका कुर्सी प्रेम। आपका नारा अब समाजवाद, सप्त क्रांति एवं संपूर्ण क्रांति का ना होकर कुर्सीवाद हो गया है। अन्यथा कैसे कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति कांग्रेस जैसी वंशवादी पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है? नीतीश बाबू पटना पहुंचकर सबसे पहले जेडीयू कार्यालय में कर्पूरी सभागार में लगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तस्वीर तो कम से कम हटा लीजिए, क्योंकि जब उनके विचारों का गला घूंट ही दिया तो उनकी तस्वीरों का क्या मतलब? नीतीश बाबू अब आप नारा लगवाइए, कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद, वंशवाद जिंदाबाद, परिवारवाद जिंदाबाद। आप धन है नीतीश बाबू, आपको शशत नमन। तो इतने लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला किया। ये बताने की कोशिश की कि जिस कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई, समाजवादी आंदोलन अस्तित्व में आया, समाजवादी नेता अस्तित्व में आए और आप आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।